तो कैसे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैंने चने की दाल की पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही काफ़ी स्वादिष्ट होता है। एक एक कटोरी मैंने चना दाल लिए थे छोटी वाली कटोरी से, और उसको मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे 3 से 4 घंटे के लगभग भिगोए थे। देखिए दाल पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब इसकी पानी आप निकाल लें, इस तरह से आप पानी निकाल लें और इसे मिक्सी जार में डाल लें इस तरह से। और आप इसमें ये देख सकते हैं, मैंने चावल को भी 2 से 3 चम्मच चावल को मैंने फूलने के लिए डाला था, इससे क्रिस्पी अधिक होता है। इसकी भी पानी आप निकाल लें, इस तरह से पानी निकाला देखिए, और इसे भी इसमें डाल करके दोनों को ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इसका कितना फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। आप भी इसी तरह से बनाए, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अब आप इसमें 2 मिर्ची, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, अदरक 1/2 इंच के टुकड़े, काली मिर्च 5 से 8 के लगभग, जीरा 1/2 चम्मच के लगभग, सब डाल करके इसको अच्छे से आप एक बार और ग्राइंड कर ले। सूखे मसाले मैं जैसे जैसे ऐड करूँगी वैसे वैसे आप लोग को बताती चलूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच के लगभग आप हल्दी पाउडर डाल दें, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सब्ज़ी मसाले लिए हैं, थोड़ा सा और सब्ज़ी मसाला आप ऐड कर लें। इसमें नमक ऐड कर लें, देख सकते हैं मैंने नमक भी 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से मैंने डाले हैं, इतना परफेक्ट है। इसमें आलू है, मैंने 2 से 3 आलू का यूज किया है। इसमें ऐसे आप हाथ से मैश करते हुए इसे इसमें डाल लें, देख सकते हैं इस तरह से आप भी डालें, डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें सबको, सारे इंग्रेडिएंट्स को। मैंने इसमें मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो मैंने मिर्ची दूर डाले थे वो बहुत ही तीखी मिर्ची होती है। अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप डाल भी सकते हैं पाउडर भी, मिर्च पाउडर, इन सबको ऐड कर लें। इधर आप देख सकते हैं मैंने पैन भी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, बिल्कुल या कम तेलों में बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए इस तरह से आप भी इसे मिक्स कर लें इस तरह से। पानी जब अच्छे से इसकी ओख ले तो इसमें आप 2 चम्मच के लगभग तेल डाल करके पूरे में को फैला लें। तेल जब गर्म होगा तब मैं इसमें चने दाल की टिक्की, आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी इसको चिकना कर सकते हैं, उसे ही फैलाते जाए। देखिए इस तरह से आप राउंड राउंड करके इसे हल्का सा अंगूठी की सहायता से, तलहटी की सहायता से आप सुंदर की उसे डालते जाए इसको। देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और बहुत ही जल्दी बनने वाला है चने दाल की टिक्कियाँ हैं, जो आप लोग को काफ़ी ही पसंद आएगा अगर मेरे तरीके से आप लोग इसे बनाएंगे तो। आप इसे चाय कॉफ़ी इसके साथ इसे धीमी फ्लेम ही रखें, तेज ना करें, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। तो मैं इसे बीच पे ऊपर से पलट करके आप हल्का हल्का तेल डालते जा, मैंने कुछ पलट लिए हैं कुछ को, जब हल्का सा सीख जाएगा अच्छे से तब मैं इसे पलटूँगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीख चुके हैं अच्छे से, और कितने इस तरह से आप भी इसे अच्छे से उलट पलट करके इस तरह से सेक लें। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी और आप लोगों को कि इस तरह से निकालती जाऊंगी और इसे सर्व करूंगी, जो आप देख सकते हैं इस तरह से। लीजिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है आप लोगों के लिए। आप इसे सोया सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, मिर्ची और चाय की कॉफ़ी के साथ आप इसे सुबह सुबह सर्व कर सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी दे सकते हैं, कोई मेहमान आए तो उन्हें सर्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।